भाइयों बहनों, भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आप याद करिए, इनकी सरकार को यहां के पवित्र तिगरी मेले से कितनी दिक्कत थी। तिगरी मेले में भी रुकावट डालते थे। यहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें तो भारत माता की जय बोलने तक में आपत्ति थी। जिसको भारत माता की जय मंजूर नहीं, वो भारत की संसद में शोभा देता है क्या? ऐसे व्यक्ति को भारत की संसद में प्रवेश मिलना चाहिए क्या? अयोध्या में राम मंदिर बना तो ये सपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा दें? अरे उसके बजाय तो उनकी ओर देखिए, जो जीवन भर बाबरी मस्जिद का केस लड़ते थे, सुप्रीम में हार गए तो खुद प्राण प्रतिष्ठा में आकर के शामिल हो गए, और इनको तो उसमें भी शर्म आ रही है। ये तो उनसे भी गए बीते हैं। लेकिन ये लोग निमंत्रण ठुकरा तो दिया, लेकिन इससे भी उनका मन नहीं भरा। उनको लगा कि शायद वोट बैंक कच्ची रह जाएगी, और इसलिए ये लोग आए दिन राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। अभी रामनवमी पर अयोध्या में प्रभु राम लला का इतना भव्य सूर्य तिलक हुआ, आप सबने देखा ना? देखा ना? आज जब पूरा देश राममय है, तो समाजवादी पार्टी वाले जो राम की भक्ति करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की खातिर पब्लिकली कहते हैं कि ये सब तो पाखंडी है। क्या आप सब पाखंडी है क्या? क्या राम भक्त पाखंडी है क्या? क्या राम की पूजा करने वाले पाखंडी है क्या? साथियों, इंडी गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं। आपको ध्यान होगा, मैं कुछ दिनों पहले द्वारिका नगरी गया था, और अमरोहा तो सीधा सीधा श्री कृष्ण के साथ नाता रखने वाली जगह है। अब भगवान श्री कृष्ण यहां से निकल करके गुजरात गए थे, और मजा देखिए, मैं गुजरात में पैदा हुआ और उत्तर प्रदेश के चरणों में आके बैठ गया। काशी ने मुझे सांसद बना दिया।
अब मैं द्वारिका गया, सारे जो आर्कियोलॉजी वालों ने उन्होंने खोज के निकाला है कि समंदर के नीचे मूल द्वारिका है, और वहां मैं गया, समुद्र में बहुत गहरा चला गया, जहां श्री कृष्ण जी की पुरानी द्वारका नगरी की, वहां मैं पहुंचा और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ मैंने पूजा की। और मैं अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को पसंद है जो मोर पंख, वो भी ले गया, वहां मैंने रखा। लेकिन कांग्रेस के साजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की मान्यता को, भक्ति को, जिसके साक्षात सबूत है, इस तरह खारिज कर रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के खातिर। और जो अपने आप को यदुवंशी कहकर के ढोल पीटते हैं, मैं जरा उनको पूछना चाहता हूं, बिहार में जो लोग कहते हैं ना हम यदुवंशी हैं, उत्तर प्रदेश में जो नेता यदुवंशी का माल मलाई खाने के लिए निकलते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर आप सच्चे यदुवंशी हैं तो भगवान द्वारिका की पूजा करने वाले का अपमान करने वाली पार्टी के साथ कैसे बैठ सकते हो, कैसे उनके साथ समझौता कर सकते हो।